गया बिहार राज्य का सबसे सिंबॉलिक शहर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 111 मीटर है। यहाँ पर मगधी, अंग्रेजी और हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं। गया जिला इतिहास और संस्कृति के मामले में बिहार के दूसरे जिलों से काफी ज्यादा अलग है। बौद्ध धर्म का जन्मस्थान होने से लेकर हिंदू धर्म और जैन धर्म के साथ गहरा संबंध साझा करने तक गया ने न केवल बिहार की बल्कि पूरे भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में मदद की है। यह शहर भागलपुर से लगभग 230 किलोमीटर और पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण में फाल्गु नदी के किनारे पर मौजूद है। भारत के महान महाकाव्य महाभारत और रामायण में उल्लेख मिलने से लेकर कई महान साम्राज्यों के उत्थान और पतन तक की कहानी को गया जिले ने देखा है। भारत के महान प्राचीन साम्राज्य शिशुनाग वंश, नंद वंश, मगध साम्राज्य, पाल साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य ने गया को हजारों वर्षों तक अपना गढ़ बनाया था। उसके बाद मध्ययुगीन काल के दौरान मुस्लिम राजवंशों समेत कई राजवंशों ने गया पर शासन किया। उसमें स्पष्ट रूप से मुगल सबसे प्रभावी थे। दोस्तों, गया के इतिहास के बारे में कोई भी चर्चा गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के बारे में बात किए बिना अधूरी होगी। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध प्राचीन भारत के दो सबसे बड़े दार्शनिक रहे हैं। जब मगध साम्राज्य के राजा बिंबिसार गया के क्षेत्र के राजा थे, तब दोनों ने कई महत्वपूर्ण धार्मिक प्रथाओं का प्रदर्शन किया और महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। गया वास्तव में बौद्ध धर्म का जन्मस्थान है, जो आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। गौतम बुद्ध ने गया में ही आत्मिक ज्ञान हासिल किया था और उसके बाद ही बौद्ध मत का जन्म और विस्तार हुआ था। भौगोलिक रूप से गया शहर लगभग 50.17 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों को मिलाया जाए तो कुल क्षेत्रफल 4976 वर्ग किलोमीटर है। यह पूर्व में नवादा जिले, पश्चिम में औरंगाबाद, उत्तर में जहानाबाद जिला और दक्षिण में झारखंड के चतरा जिले से घिरा हुआ है। फाल्गु नदी जिले की मुख्य नदी है और सिंचाई परियोजनाओं, पीने का पानी और बड़ी जरूरतों के लिए जल की आपूर्ति इस नदी के द्वारा की जाती है। जहां तक खनिजों की बात है तो यहां पाए जाने वाला खनिज पत्थर देश के विभिन्न हिस्सों में निर्माण कार्यों और सड़कों में उपयोग किया जाता है और गया जिले से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण आइटम है। गया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। आधी से अधिक आबादी का रोजगार और आजीविका अकेले खेती पर टिकी है, जबकि शेष आबादी अपनी आजीविका के लिए छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर पर निर्भर है। लघु और मध्यम औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से कृषि आधारित और कपड़ा उद्योगों पर टिका है। लेदर और केमिकल इंडस्ट्रीज भी गया में लोगों को रोजगार देती है। जहां तक सर्विस सेक्टर की बात है तो ये पूरी तरह से बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी और अनरेगुलेटेड रिटेल पर टिका है। गया का रेलवे स्टेशन इस शहर के लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य जरिया है। यह जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन है और गया को भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ता है। इसके अलावा गया में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, जो बौद्ध गया मंदिर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये एयरपोर्ट गया जिले को देश की राजधानी के साथ साथ मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और महत्वपूर्ण शहरों महानगरों से जोड़ता है। गया में ऑटो रिक्शा गया का सबसे लोकप्रिय ट्रांसपोर्ट है। धार्मिक स्थलों की बात करें तो गया एक कमाल की जगह है। हमारे देश के कुछ सबसे प्रमुख मंदिर और पवित्र स्थल बौद्ध गया में मौजूद है, जो गया से बहुत दूर नहीं है, और उनमें से सबसे प्रमुख और पवित्र जगह महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष है। बौद्ध धर्म का जन्म स्थान और वह स्थान जहां गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की अनुभूति हुई, बौद्ध गया में ही मौजूद है। अब बात करते हैं गया में मौजूद कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की। पहला है थाई मठ। थाई मठ भारत के सबसे खूबसूरत बौद्ध मठों में से एक है। इस मठ की सबसे खास बात यह है कि इसका निर्माण पूरी तरह से थाई आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अगला है विष्णुपद मंदिर। ये मंदिर बौद्धों के साथ साथ हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र मंदिर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने लगभग 6 वर्षों तक इस मंदिर में ध्यान किया था। गया एक ऐसा स्थान है जहां हजारों वर्षों से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म विकसित हुए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा